इर्द गिर्द घूमता हुआ युवा वर्ग और उसमें ऐसे वर्ग को खड़ा करना जो सिद्धांतों की राजनीति करने के लिए प्रेरित हो, जो विचारों की स्थापना के लिए प्रेरित हो, ऐसे जगदीश जी उपाध्याय थे जो ऐसी प्रेरणा देकर हम जैसे लोगों को निकालते। मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहूंगा उनका। हम तो छात्र राजनीति में थे उस समय, माननीय अटल जी आए थे यहां पर फिरोजाबाद और उस समय 1,25,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और खासतौर से जनसंघ या भाजपा जैसे संगठन के लिए जो कि सत्ता से दूर तो छोड़िए कल्पना भी नहीं थी कि सत्ता तक पहुंचेंगे। तो 1,25,000 की थैली भेंट की जा रही थी। सबसे वरिष्ठ माननीय जगदीश जी थे, उस समय अध्यक्ष दत्ताजू थे। हर आदमी ये चाहता है कि उसका चेहरा सामने आए, उसके नेतृत्व के सामने, उसके ही इर्द गिर्द पूरा कार्यक्रम सिमट सिमट के रह जाए कि जैसे वही इसका प्रणेता है, वही इसका सर्वे सर्वा है। लेकिन जब थैली भेंट करने के लिए राजकुमार सामाजी संचालन कर रहे थे आगरा के, उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद की जनता की ओर से मैं जगदीश जी से अनुरोध करता हूं कि वो थैली भेंट करें। आदरणीय स्वर्गीय जगदीश जी उठे, थैली उनके पास थी। उन्होंने कहा दद्दाजू ये बोझ अकेला मैं नहीं उठा पाऊंगा, मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ चल कर अटल जी को भेंट करिए। यह थे जगदीश। और यह उनका जो स्वभाव और उनका जो प्रसंग हम जैसे ना जाने कितने नौजवानों को प्रेरणा देता था कि राजनीति इसलिए नहीं सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजनीति सेवा के माध्यम, राजनीति कभी गलत नहीं होती। मित्रों, एक मुहावरा सा बन चुका है कि राजनीति बहुत गंदी होती है। राजनीति को उस तरल पदार्थ की भांति है जो जिस पात्र में डाल दी जाती है वैसी हो जाती है। ये बोतल में है पानी, बोतल का आकार ग्रहण किया हुआ है। इसी पानी को गिलास में कर देंगे, गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। इसी पानी को घड़े